कल रात को हम काफी लेट पहुंचे थे, 2:30 बज गए थे, इसलिए मैं आपको कॉटेज और हमारा रूम दिखा नहीं पाया। तो अभी मैं छोटा सा रूम टूर देता हूँ। यहाँ पे है सिटिंग एरिया, यहाँ पे है किचन, और ये रहा हमारा प्यारा सा रूम। अभी थोड़ा सामान में सब हो गया। यहाँ पे कबर्ड, वॉशरूम, और आप व्यू देखोगे ना मजा आ जाएगा। व्यू देखो बस। होटल के नीचे भी देखो पूरा बर्फ जमा पड़ा है। वो सामने माउंटेन, कितने सुंदर लग रहे, गजब। यहाँ पे मस्त कुछ लोग खेल रहे। तो आज का प्लान कुछ ऐसा है, अब सबसे पहले नीचे चलते, कुछ खाते, पेट पूजा करते, फिर देखते कहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे हडिम्बा टेम्पल है, वहां पे विजिट करते, दर्शन लेते। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ स्नो के पॉइंट्स रहेंगे, वो एक्सप्लोर करेंगे, देन अपन जाएंगे स्नो में खेलने। यो वो देखो सामने स्नो है, एक ग्राउंड सा बना है, वहाँ पे कुछ लोग खेल रहे हैं स्नो में। तो अपन भी जाएंगे थोड़ी देर में। अभी क्या प्लान है? सबसे पहले तो पेट पूजा करते हैं। बहुत ब्रेड पकोड़ा खा मस्त। अभी मोमोज भी आ रहे हैं, चिद्दू भी आ रहे हैं, और यहाँ पे पराठा भी है। खाते हैं पेट भर के, फिर आपसे मिलते हैं। अभी हम यहाँ पे आए थे यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के फोटोशूट करने के लिए। तो आपको अच्छे अच्छे पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी, तो मेक श्योर आप स्क्रीन पे आईडी आ रहा होगा तो फॉलो करना इंस्टाग्राम पे। काफी प्राचीन मंदिर है ये हडिम्बा माता का। ये सब जो ऊपर लगे हुए दिख सब ओरिजिनल। जब ज्यादा स्नो पड़ता है तो ऑब्वियसली मंदिर को बंद कर देते हैं। हडिम्बा माता टेम्पल के पीछे ही है डुंगरी वन विहार।
हडिम्बा माता टेम्पल एक्सप्लोर करके हो गया, अभी हम जा रहे हैं कॉटेज की तरफ। सांस फूल रही है। ये रहा वो पार्क, इस वीडियो में आपको दिखा था पूरी बर्फ जमी पड़ी। वो उधर है अपना कॉटेज। और अभी धूप निकल चुकी तो ड्रोन शॉट्स मस्त आएंगे, तो नीचे चलते और ड्रोन उड़ाते। देखो हमें कौन मिल गया, नए दोस्त। देखो गोल्डन माउंटेन, सनसेट हो रहा है तो सूर्य की किरण उस पर पड़ रहे, तो सब गोल्डन गोल्डन दिख रहा है। इतना अमेजिंग लग रहा है, इतना अमेजिंग लग रहा है कि क्या ही बताओ। कैमरा इतना जस्टिस नहीं कर पाएगा, बट रियल में बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। अभी हम जा रहे हैं मॉल रोड, देखते हैं अगर कुछ शॉपिंग करने लायक होगा तो वहाँ से कुछ शॉपिंग करते हैं। मैंने ग्लव्स नहीं पहना है क्योंकि वहाँ पे जाके ग्लव्स लेने हैं ठंडी के। पेट्रोल भी नहीं गाड़ी में, पेट्रोल डालना पड़ेगा। यहाँ पे ना सब ब्लैक आइस हो पड़ी, इसलिए उसको बोला कि थोड़ा पैदल ही चल तू, वो बेटर रहेगा। ये यहाँ पे ब्लैक आइस है, धीरे 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 चलने का ब्लैक आइस पे, ताकि गाड़ी स्केट ना हो। मॉल रोड अगर जाना है तो यहाँ से करीब 10 मिनट का ही रास्ता है अगर बाइक से जाते हैं तो, और पैदल जाते हैं तो 20-25 मिनट। पर अपने पास बाइक है तो बाइक से जाएंगे, क्योंकि पैदल जाने में तो कुछ नहीं बट आने में बहुत दिक्कत होता है। यहाँ पे चढ़ाने ना तो सांस फूल जाती है, तो इसलिए हम अभी बाइक पे जा रहे हैं। देखते हैं अभी मॉल रोड घूमते हैं। दो मिनट बाइक चला और हाथ पूरे फ्रीज हो गए, मेरे काम ही नहीं कर रहे कुछ। ये रहा मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे हडिम्बा माता टेम्पल। कौन मैं तो निकल गया पहाड़ों की ओर। और ये हम पहुंच गए मॉल रोड, बस 10 मिनट का रास्ता था। ये है मनाली का कुछ ऐसा मॉल। अभी स्नो नहीं है यहाँ पे, स्नोफॉल हुआ नहीं एक हफ्ते से, तो इतना कुछ खास नजारा नहीं है। एनीवे जो कुछ भी है आपको दिखा रहे हैं। निकल रहे अभी मॉल रोड से अपने कॉटेज की तरफ। शॉपिंग वगैरह करके सब हो गया, अभी फटाफट निकलते। पर
करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना और शेयर कर देना, और मेक श्योर कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का जो घंटा है उसको दबा देना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you.